बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, इजी और सिंपल रेसिपी, और ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनने वाली है। ये है पोटैटो वेजिटेबल्स एंड चिकन बॉल्स। उसके लिए मैंने आधा किलो चिकन जो है आलू लिए हैं। आलू को मैंने बॉयल करके उसको प्लेट में रखकर ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर पर। एक कप के करीब मैंने बंद गोभी ली है, बिल्कुल बारीक का जो है चॉप की हुई। एक गाजर ली है सुरख रंग की, वो भी कद्दूकश कर ली है। वो चार तकरीबन 4 से 5 अगर हरी मिर्ची हैं उनको बारीक चॉप कर लिया है। एक मेरे पास शिमला है उसको बारीक जो है वो चॉप कर लिया है। और 1 पाव के करीब मेरे पास चिकन है, उसको मैंने बॉयल करके उसको इस तरह श्रेड कर लिया है। और साथ जो है थोड़ा सा हरा धनिया है, आधा जो है आधी प्याली के करीब। और उसके बाद जो है हमारे पास 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का पाउडर है, और 4 टेबल स्पून जो है हमारे पास चावल का आटा है, 1 टेबल स्पून नमक, और 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम जो है अपनी रेसिपी बनाने की तरफ चलते हैं। और इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। जी, आलू जो है हम इस तरह इसका छिलका जो है रिमूव कर लेते हैं। वीडियो जो है वो स्टार्ट से एंड तक के देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपकी जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बने। और इस तरह हम अब सारे आलू जो हैं वो अपने छील लेते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हमने क्या करना है। आलूओं का छिलका जो है वो रिमूव कर लिया। अब इस तरह कोई भी कशर ले लें, तो उसके साथ इसको इस तरह से सबको कश कर लें, ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। इस तरह जो है मैं सारे आलू जो है इसको कश कर लूंगी। ये देखें, जो पर आलू है वो मैंने कद्दूकश कर ली है। अब इसमें ये सारी वेजिटेबल और चिकन ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही जो है इजी तरीके से। इसमें कोई भी इतना कोई खास काम नहीं होता, सिर्फ कटिंग का काम है। इसको आप जो है बनाएं, अफ्तारी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप चाय टी टाइम में चाय के साथ भी, जैसे किसी गेस्ट ने आना हो तो आप पहले से इसको बनाकर जो है रख लें और उस वक्त फ्राई कर लें। ये देखिए, अब इसमें ये सारे मसाले ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ ही ये भी ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से जो है मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से देखिए, इस तरह से सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जी, ये देखिए, अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा मसाला लेंगे और इसके इस तरह से बॉल बना लेंगे। आप इसके जो है कबाब भी बना सकते हैं अगर बॉल बनाना चाहें तो इस तरह, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट शेप देने से थोड़ा जो है बच्चे भी जो है खाना पसंद करेंगे। कबाब तो हम रूटीन में खाते रहते, इस तरह से बॉल बना लें तो ये कि कबाब तो हम या कटलस ये तो हम बनाते ही रहते हैं, अगर इस तरह से बॉल बनाएंगे तो बच्चे इसको ज़्यादा लाइक भी करेंगे और इंजॉय करेंगे। इस तरह मैं अब सारे बॉल जो हैं रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। जी, ये देखिए, सारे बॉल जो हैं बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये घी जो है वो गरम हो चुका है, इसको अच्छे से आपने गरम करना है। ठंडे घी में बिल्कुल भी इसको ऐड नहीं करना, नहीं तो ये खुल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह गरम जो है घी में ही बनाइएगा। अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन फ्राई हुई हुई चीज़ें जो हैं वो घी में ही अच्छी फ्राई होती हैं और खस्ता होती हैं। इस तरह आप इसमें डाल दें इस तरह से, और थोड़ी देर बाद फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ना ही घी में बिखरेंगे, लेकिन ऑयल जो है वो थोड़ा आपका गर्म होना चाहिए। ये देखिए, माशाल्लाह, इस तरह हल्की हल्की इसकी साइड जो है वो चेंज करते जाएं। इतनी ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। ये जितने देखने में टेस्टी लग रहे हैं उससे ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी हैं। जी, ये देखें, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बनकर रेडी हो चुके हैं।
इसी तरह अब मैं सारे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बॉल जो है वो बनकर रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही टेस्टी और लजीज बने हैं। इसको आप इमली की चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ जो है इसको सर्व करें और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे ग्रुप पर, हमारे घरों पर खसूसी रहम और करम फरमाए। आमीन। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।